हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपराजिता एंड वेलकम टू माय चैनल अपराजिता स्पाइसी ग्रिल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग की एक बड़ी यमी रेसिपी, आंध्रा एग करी। ये रेसिपी खट्टी, मीठी और तीखी बनेगी, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ मैंने कुछ बॉइल्ड एग्स लिए हैं जिनको छील लिया है, और देखते हैं हमें और क्या चाहिए। दो बड़े प्याज चॉप किए हुए, दो टमाटर की प्यूरी, दो हरी मिर्च चॉप की हुई, कुछ करी पत्ते, नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चौथाई चम्मच साबुत जीरा, इमली के कुछ छोटे पीसेस। मेरे पास यहाँ गर्म पानी है, इमली को मैं इसमें आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रख दूँगी ताकि हम इसका जूस निकाल सकें। यहाँ मैंने दो चम्मच गुड़ का पाउडर लिया है। एक पैन में दो चम्मच ऑलिव ऑयल गरम करेंगे और उसमें एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मसाले को थोड़ी देर के लिए तेल के साथ फ्राई करेंगे और इसके साथ उबले हुए अंडे डाल देंगे। अंडों को थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। ये देखिए, बढ़िया एग्स फ्राई हो गए हैं। और अब एक पैन में हम दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। मस्टर्ड ऑयल गरम होते ही इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटकने लगेगा तो इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च और जीरा को थोड़ा सा भून लीजिए और इसमें अब हम करी पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा भून के, और फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए, प्याज हमारा बहुत अच्छा भुन गया है। और अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को प्याज के साथ लगभग 30 सेकंड भून लीजिए। अब हम इसमें सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। मसालों को प्याज के साथ लगभग 30 सेकंड तक भूनेंगे। और अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। टमाटर की प्यूरी को मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। और मसाला हमें तब तक भूनना है जब तक ये पैन से अलग ना होने लग जाए। मसाला हमारा भुन रहा है और इसी में हम बीच में नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, मैं यहाँ पर दो चम्मच डाल रही हूँ। देखिए, मसाला बहुत अच्छा भुन गया है, ये पैन से अलग होने लगा है, ऑयल भी इसका सेपरेट होने लग गया है। और अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। गुड़ डालने के बाद मसाले में बहुत अच्छा ग्लेज आ जाता है। और अब हम इमली का पानी डाल देंगे। ये वही इमली का पल्प है जिसको हमने गर्म पानी में सोक किया था। इमली के पल्प को मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको एक उबाल आने के लिए कवर करके रख देंगे। देखिए, ग्रेवी बहुत अच्छे से बॉईल हो रही है। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे। अंडे डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये देखिए, आंध्रा एग करी अब हमारी बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। लीजिए, तैयार है हमारी गर्मा गर्म खट्टी मीठी तीखी आंध्रा एग करी। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी इस रेसिपी पर लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और खट्टी मीठी तीखी क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ। बाय।